पाकिस्तान में नादरा ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मुंशी या फोटो स्टेट वाले हजरात बैठे होते हैं, वो कुछ रकम लेके सारे मामलात हल करवा देते हैं। इसमें जमा करवाना, डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, फार्म भरना और जल्दबाजी लगवाना शामिल है। क्या उनको पैसे देना दुरुस्त है? ये उनकी मजदूरी शुमार की जाएगी या रिश्वत? देखिए भाई, इनमें से जो उन्होंने वक्त खर्च किया है, जो चालान भरा है, जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दिए हैं, ये सब चीज़ें उसकी उजरत है, ये देनी चाहिए। अलबत्ता लाइन में आगे पीछे कर देने के जो मुबारक काम करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ये बाकी रोज़ी को भी ख़राब करे, इसलिए कि जो पहले आया है उसका हक पहले। हमेशा ज़िंदगी में क्यू और लाइन की अहमियत समझनी चाहिए। जो पहले आया है पहला उसका हक बनता है, फिर बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाएं हाथ पे हज़रते अब्बास चचा बैठे हुए थे रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और जो बच गया था आपने देखा दोनों तरफ, एक तरफ मेरे चचा बैठे हुए हैं, एक तरफ एक आम आदमी है, तो आपने फरमाया कि भई मैं अपने चचा को दे दूँ, रिश्ता था ना बड़ा। तो उसका नहीं, अल्लाह के रसूल, मैं दाईं तरफ हूँ, मेरा हक पहला बनता है, आपने उससे दे दी। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन शरीयत इन छोटी चीज़ों को सिखाती है ताकि लोग बड़े बनें।